पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है, लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319699927। जिले सहित संपूर्ण देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं संक्रमण से बचने और उसके रोकथाम के लिए शासन प्रशासन के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन जारी की जा रही है, जिसमें खास तौर पर सोशल डिस्टेंस बरतने और मास्क का अनिवार्य पालन करने को कहा गया है। लेकिन जिलेवासियों को ना तो कोरोना का डर है और ना ही संक्रमण का खतरा। इसके अलावा जिलेवासियों को शासन की गाइडलाइंस की भी कोई परवाह नहीं है, जिसके चलते लोग नगर में कोरोना से बेफिक्र होकर बिना मास्क लगाए हुए इधर से उधर घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महज दिखावा करने या चालानी कार्रवाई से बचने के लिए मास्क गले या मुंह में लटकाए हुए नजर आते हैं। जिलेवासियों की इस बेपरवाही और लगातार बढ़ते जा रहे संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान, चालाने कार्यवाही और अस्थायी जेल जैसे कई अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके भी जिलेवासी सुधरने को तैयार नहीं है और मास्क न लगाने को लेकर तरह तरह के बहाने करते नजर आ रहे हैं। लोगों में मास्क को लेकर जन जागरूकता लाने और सामाजिक सरोकार के तहत जब पद्मेश न्यूज की टीम ने नगर के हालातों का जायजा लिया तो हर तरफ लोगों में इस संक्रमण को लेकर बेफिक्री नजर आई। आइए आपको दिखाते हैं कि लोग कोरोना संक्रमण को लेकर किस तरह से बेखौफ घूम रहे हैं। जहां कोई कैमरे को देखकर मास्क लगाते हुए नजर आता है तो कोई इसे ना लगाने को लेकर तरह तरह के बहाने बनाते हुए दिखाई दे रहा है। नागपुर से। अच्छा ये बताइए, अभी आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, क्यों मास्क नहीं है क्या आपके पास में? मास्क है ना सर। तो क्या जेब में रखने के लिए है क्या? जेब से सुरक्षा होगी। अच्छा ये बताया, आपको मालूम है अभी कौन सी बीमारी फैली हुई? तो अभी बताया कौन सी बीमारी फैली हुई? कोरोना। तो फिर भी आप इतनी बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं? नहीं सर, वो तो ध्यान कभी कभी रहती नहीं ध्यान से। घर में है क्या आपके पास में रखा हुआ है? नहीं नहीं, घर पर भूल गया मैं, जल्दी में थोड़ा सा काम से। आपको मालूम है मास्क कितने का आ रहा है? फूल वूल लेने के लिए जी 10 या 20 रुपए का। 10 या 20 रुपए का? तो आप ले नहीं सकते थे? है ना सर मेरे पास, ऐसा नहीं कि नहीं। तो आप कहाँ रखा हुआ था मास्क? घर पे भूल गया मैं, थोड़ी जल्दी में था। वो तो बात सही है आपकी, बराबर है कि कोरोना बीमारी ऐसी तो है कि एक से मतलब छुआछूत वाली है, फैलती से। लेकिन जल्दी में था थोड़ा, इसलिए काम से निकला। तब बराबर है सर, लेकिन है ना इसलिए। तो ये बताओ, आप कैमरे को देख करके मास्क पहन रहे हैं क्यों? मास्क लगाना भूल गया। क्यों नहीं लगाते मास्क बताइए? आपके पास मुझसे सारे लोग आते हैं, आपको मालूम है कोरोना क्या है? अरे पानी की मेरे को प्यास लगी थी इसलिए मैंने उतार दिया था पानी पीने। काफी देर से देखा जा रहा था कि आप बिना मास्क के घूम रहे, बिना मास्क के काम कर रहे हैं। पानी नहीं पिया, बॉटल नहीं भर रहा था। अब पहनेंगे हमें तो काम करते वक्त भी? क्या क्या फायदे बताओ? बीमारियाँ नहीं आती, रक्त नहीं आता। तो फिर आप इतनी बड़ी लापरवाही क्यों करते हैं? सर कौन सी क्लास में? 11 बटरा चौकी बालाघाट वार्ड नंबर 2। अच्छा पापा क्या करते हैं? पापा बस चलाते हैं। ये बताओ आप बिना मास्क के घूम रहे हैं? नहीं सर, मास्क है बस, भूख लगी तो पहले। तो मास्क क्या जेब में उससे सुरक्षा होगी क्या? नहीं सर। तो फिर क्यों नहीं लगा रहे मास्क? लगाएंगे ना सर। आपको मालूम है मास्क लगाने से क्या फ़ायदे हैं? क्या फायदे बताओ? शरीर में कोरोना वायरस का दर्द से जो बचाव होगा। और बहुत सारी चीज़ें। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। कहाँ से आए आप? गंगानगर बूढ़ी से। अच्छा ये बताइए, आपने मास्क नहीं पहना है? सर मास्क गाड़ी में चिढ़ गया है। तो गाड़ी की सुरक्षा के लिए है मास्क या अपनी सुरक्षा के लिए? नहीं सर, अभी क्या है थोड़ा सा काम मेरी सुरक्षा के लिए है। हाँ लेकिन गाड़ी में भूल चुके हैं तो अभी क्या नहीं, वो गाड़ी की सुरक्षा के लिए गाड़ी मास्क लगाई? नहीं सर, नहीं सर, अपनी सुरक्षा के लिए ना। जी हाँ। आप जानते हैं क्या फ़ायदे होते हैं इससे? जी जी। क्या फ़ायदे होते हैं बताएं? अपने शरीर की सुरक्षा होती है। जान के
अपने जान की भी सुरक्षा होती है। हिदायतों और सख्ती की चेतावनी के बावजूद भी जिले के लोग जानलेवा कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है। ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, ना ही अधिकतर लोग मास्क लगा रहे हैं। बाजार हो या अन्य सार्वजनिक स्थान, हर जगह लोगों की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। जहां कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, कुल मिलाकर कहा जाए तो कोरोना संक्रमण को लेकर नगर में अब कई लोग बेहद लापरवाह हो चुके हैं। लोग बिना मास्क पहने ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोरोना खत्म ही हो चुका है। घर से बाहर बिना मास्क लगाए निकलने वाले ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। नगर के विभिन्न गलियों, चौक चौराहों, बाजार, विभिन्न दुकानों, शासकीय व अशासकीय कार्यालयों, बस स्टैंड सहित अन्य जगहों में कई लोग बिना मास्क पहने बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए आप? बालाघाट के। बालाघाट के, क्या नाम है आपका? राजकुमार। तो ये बताइए, बिना मास्क के घूम रहे हैं? आया दुकान से। अच्छा, दुकान से आए हैं। और बच्चे को भी बिना मास्क के घुमा रहे हैं आप? मास्क नहीं लगाया, फेंक देता है। तो आपने क्यों नहीं पहने तो मास्क? वो तो फेंक देता है, लेकिन आप, आपको मालूम है अभी कौन सी बीमारी चल रही है अभी? हाँ। आपको उसके बचाव के कारण मालूम है? आपको क्या बचाव के कारण है उसके? मास्क लगाने लगे। तो आप फिर भी नहीं पहन रहे मास्क कभी? अच्छा, ये बता दिया, जैसे जिस तरीके से आप यहाँ व्यवसाय कर, कितने लोगों से संपर्क होता है आपका? संपर्क तो मेरा होता है, ज़्यादा लोगों से नहीं होता, व्यापार डील ही चल रहा है। नहीं, फिर भी आप अभी जो महामारी जो चल रही है उसको लेकर के आप जागरूक नहीं है? मास्क नहीं पहना आपने अभी तक? मास्क पहना अभी उतारा, जिम भी रखा है मास्क। सभी को ज़्यादातर व्यवसाय जो है मुँह छुपा के नहीं होता जी, मुँह दिखाना बहुत जरूरी होता है। और अपन तो छोटे व्यापार रहा है, मुँह दिखाए बिना काम ही नहीं होता, फेस टू फेस होना ही पड़ता है। आप इतनी भीड़ वाली जगह में आप अपना व्यापार कर रहे हैं, ऐसे में अगर आपको अगर वायरस की चपेट में आ गए तो? तो है ना, सरकार अपनी व्यवस्था के हिसाब से काम कर रही है ना। इसकी वैक्सीन बन पाई है अभी तक? अरे इलाज तो हो ही रहे ना, प्रॉपर इलाज तो हो ही रहे हैं, लेकिन लोग मर भी तो रहे हैं। नहीं मर रहे भैया, बच्चे ज़्यादा रहे। जागरूकता यही है कि अपने साथ ही है, और अपन तो है ही नहीं। अपन तो जागरूक है लेकिन मास्क नहीं पहनेंगे। मास्क देखो भैया, मास्क थोड़ी देर में लगा लूँ, फिर थोड़ी देर में जरूरत पड़े तो निकाल लूँ। अभी इससे बात करना है मेरे को, ये तो मेरी बात समझ ही नहीं पाएगा, थोड़ा निकालना पड़ता है, बोलना पड़ता है। क्या नाम है आपका? सर महेश कटर। महेश कटर जी कहाँ रहते हैं? बम नहीं रहते हैं, क्या करते हैं आप? सर मैं तो प्रॉपर गाँव में रहता हूँ, खेती किसानी करता हूँ। अच्छा, खेती किसानी करता हूँ, यहाँ की बात है? सर थोड़ा काम से आया था। आपने कैमरे को देख करके मास्क पहना है, उसके पहले क्यों नहीं पहनते मास्क? सर अभी लगाया था, जस्ट सर पानी पिए सर, बॉटल से निकाल लिया। अच्छा, आपको मालूम है अभी किस चीज़ का दौर चल रहा है? जी सर, कोविड-19 पे चल रहा है सर। और उसके बचाव क्या है मालूम है आपको? जी सर। क्या बचाव है? दो गज दूरी बहुत जरूरी और मास्क। तो फिर भी आप इतनी बड़ी लापरवाही बरत रहे हैं? आप पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे मास्क? सर बिल्कुल। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ रहते हैं आप? बरेली साइड। बरेली साइड में रहते? आप बिना मास्क के घूम रहे हैं? तो कैमरे को देख करके पहनना जरूरी है, उसके पहले आप पहन नहीं सकते थे। कोरोना को लेकर लापरवाह हुए लोगों में हर उम्र और हर वर्ग के लोग शामिल हैं, जिसमें अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे लोगों तक का समावेश है। रेहड़ी पर सामान बेचने वालों से लेकर फल विक्रेता, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदार और राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय कई लोगों को आप नगर में बिना मास्क पहने हुए देख सकते हैं। इसमें छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े शोरूम में बैठे कई दुकानदार भी अनिवार्य मास्क नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो मास्क को गले के नीचे अपनी जेब में या होंठ के नीचे रखना पसंद करते हैं, जो शायद नहीं जानते कि उनकी छोटी सी लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ सकती है। सर क्या करते हैं आप? मैं मलाडखंड में हूँ, ताम्रपरियोजना। ताम्रपरियोजना में? सर बिना मास्क के आप घूम रहे हैं? मास्क पहने? नहीं, अभी तो आप हाथ में रखे हुए थे मास्क। हाथ में दिक्कत होती है मास्क लगाने में। आपको डर नहीं लगता क्या इससे? नहीं 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 लगता डर। नहीं लगता डर आपको? क्यों डर नहीं लगता सर? नहीं लगता, जो होना तो होगा ही हो तो जी, है ना। हाँ, लेकिन आपके परिवार में तो बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे स्नेह करते होंगे, अगर आपको कुछ हो गया तो उन पे क्या गुजरेगी? नहीं गुजरती उन पे कुछ, सब ठीक है, अपनी अपनी जगह। तो सब अपनी अपनी जगह। उनको तो हो सकता है, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं हो सकता, बिल्कुल।
कोरोना महामारी चल रही है, उस दौर में कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क पहनना जरूरी, आप लोगों ने जागरूक किया और आप ही कुछ जागरूक नहीं है। आप बिल्कुल गलत कभी में, 2 गज की दूरी टोटल डिस्टेंस बना हुआ है और मैं गाड़ी से निकला ही हूँ और ये मास्क है और मैं मास्क वितरण करने ही निकला हुआ हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं। मास्क और कोरोना जैसी बीमारी के लिए हम लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि आप मास्क पहन के चले तो स्वाभाविक है कि बिना मास्क के हम नहीं। नहीं लेकिन अभी तो आप बिना कैमरे का सामने कह दो चुके बिना मास्क के, आप देखा अभी जस्ट यहाँ से उतरा। नहीं आप तो उधर से आ रहे थे बिना मास्क पहने भी आ रहे थे। मास्क ही बांटने जा रहा हूँ मैं। नहीं तो फिर भी तो आप पहने नहीं थे कि आप फिर भी आप कैमरे के सामने, कैमरा आपका है तो कैमरे के सामने आपसे बात करने के लिए मैंने मास्क हटाया है। नहीं मास्क पहनकर ही बात कर सकते हैं आप। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जा रही है इसमें और ये आपका भी कहना बिल्कुल सही है, आदमियों को सबसे बड़े एहतियात बरत कर रहना चाहिए और 24 आवर्स मैं भी किसी को भी नहीं कहता कि मास्क लगा के पहने, क्योंकि इस मास्क के कारण 24 घंटे पहनने के अंदर में कई लोगों को हार्ट की, दमे की, कई प्रकार की बीमारियां आ रही है। मास्क का मतलब है हम कब जब किसी व्यक्ति के सामने जा रहे हैं या किसी भीड़ में जा रहे हैं तो अपना मास्क लगा कर रखें, समय को ध्यान में रखते हुए मास्क का उपयोग करें। 24 घंटे मास्क पहनना भी शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता है और आप देख रहा था कि और माँ बिना मास्क के घूम रहे थे आप, वो ढीला होने के कारण में गिर गया भैया, काहे के लिए आरोप लगा रहे हैं। और आपके साथ वालों ने भी मास्क नहीं बांधे थे, 2 लोग थे जो चलो लेते, ये मेरे साथ नहीं है, साथ में चल रहे थे बाकी मेरे साथ नहीं है। अभी भी आपका मास्क नीचे है? हाँ उसको सुधारने के लिए बोला, मैं सुधार लेता। क्या क्या फायदे? सबसे पहले तो कोरोना की रोकथाम हो जाएगी, बचाव हो जाएगा, दूसरा जितने डस्ट आने हैं वो डस्ट नहीं जाएंगे। तो बहुत जरूरी है, फुल सत्यता है, अगर अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना है, अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करना है तो मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी। सरकार भी यही कह रही कि कोरोना गाइडलाइन में भी यही कहा गया है कि मास्क बहुत जरूरी है, मास्क हमेशा पहने रखिए, बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले, पर पब्लिक मानती कहाँ है? आज भी शहरों में कितने सारे लोग, आप इतनी ही लापरवाही बरतेंगे तो फिर बाकी आमजन भी तो बरतेंगे लापरवाही? हमने लापरवाही बरती का नहीं, ये तो प्रशासन मिलकर के और हम सब मिलकर के उसको, मास्क पहनना जरूरी है कि मास्क पहनना जरूरी? आप पहनेंगे मास्क हमेशा? बिल्कुल, मैं तो हमेशा पहनता हूँ। क्या नाम सर आपका? आनंद मेश्राम। मेश्राम जी क्या है आप? एडवोकेट। एडवोकेट है, हम आपको काफ़ी दूर से देख रहे थे, बहुत देर से देख रहे थे कि आप बिना मास्क तो पहना है लेकिन आप मास्क नीचे करके रखे हुए हैं, आपको मालूम है अभी समय किस चीज़ का चल रहा है? आपका परिचय बताएं। मैं धन कुमार जैन। कहाँ रहते हैं सर आप? ये वार्ड नंबर 17। सर अभी आपको मालूम है सरकार भी डरी हुई है, लोग भी डरे हुए हैं कोरोना संक्रमण को लेकर के, आप खुले रूप से बिना मास्क के घूम रहे हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? डर तो लगता है किंतु मेरे को सांस लेने में तकलीफ होती है, यदि मैं मास्क लगा लेता हूँ इसलिए मैं बहुत कम उपयोग करता हूँ। नहीं लेकिन जैसे आप बाहर घूमने निकले हैं तो आप घर पे भी तो बिना मास्क के रह सकते हैं लेकिन बाहर घूमे तो आप मास्क? हाँ तो आज मैं भूल गया, नहीं तो मैं लगा लेता। सरकार भी कह रही है और अच्छे चिकित्सक भी कह रहे हैं कि मास्क लगाना ही सेफ्टी है, बिल्कुल जरूरी है, पर मुझे से गलती हो गई है, मास्क लाने ही भूल गया हूँ। तो लगाएंगे जरूर आप? हाँ अभी जरूर लगाऊंगा। मैं किरण त्रिवेदी, मास्क के लिए रोका गया है, नाक के ऊपर जरूर नहीं ढांकता था जी, पर मेरे को पूरा मास्क पहनना चाहिए, अति आवश्यक है, उसके लिए मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि मुझे मास्क नाक के ऊपर कवर करना है। सर आगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाह रहा हूँ, मैंने गलती किया ये गलती ना करें, नाक और मुंह को पूरी तरह से कवर करके ये मास्क का ढक के चलना अति आवश्यक है।
हद तो तब हो गई जब कैमरे के सामने ऐसे लोग भी बिना मास्क के दिखाई दिए जो खुद मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हैं, जो दूसरों को तो अनिवार्यतः मास्क का नियम बताकर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन खुद चौक चौराहों पर बिना मास्क के नजर आते हैं और कैमरे पर रिकॉर्ड होने पर तरह तरह के बहाना बनाते नजर आते हैं। आप कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं? मैं उसमें हूँ, क्या बोलते हैं, रोको टोको अभियान नगर पालिका का चल रहा है, उसमें ड्यूटी। रोको टोको का अभियान क्यों चालू किया गया है? ये जो लोग आते जाते वाले लोग हैं उनको मास्क नहीं पहन रहे, उनको मास्क के लिए आपने कैमरे को देख करके मास्क पहना, मास्क आपका नीचे नहीं, नहीं, वो बच्ची को बोलने के लिए मैंने मास्क नीचे किया। फिर भी तो साउंड बहुत अच्छा आ रहा है इसमें। नहीं नहीं, बच्ची को, अब बच्ची थी, समझ नहीं आ रही थी उसको आवाज़। इससे आपको मालूम है आप इतने सारे लोगों को रोको टोको अभियान के तहत रोकते हैं टोकते हैं, कहीं अगर संपर्क में आ गए तो? नहीं नहीं, वो आते हैं लेकिन अब बच्ची है, बच्ची को समझाना पड़ेगा। मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं इसमें? जरूरी है। और आप मास्क तो नहीं उतारेंगे आप? नहीं नहीं नहीं। सड़कों पर दोपहिया वाहन, साइकिल व पैदल चलने वाले कई युवा भी मास्क को लेकर गंभीर नहीं है। कुछ लोग मास्क अपने पास रखते हैं लेकिन उसे पहनते नहीं है, कहीं पुलिस का नाका नजर आ जाए तो कुछ देर के लिए मास्क लगा लेते हैं और खतरा टलते ही मास्क निकाल कर अपनी जेब में रख लेते हैं। ऐसे लोग न केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं बल्कि लोग अपने परिवार और अपने समाज के लिए भी नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। सर कैमरे को देख करके आपने मास्क पहना है, आप गोंदिया से आ रहे हैं, पालन कर रहे हैं उसका, तो मैं बात कर रहा था इसके लिए उसको थोड़ा सा नीचे। आप पहनते हैं हमेशा? क्या नाम है भैया आपका? सत्तू। कहाँ रहते हो आप? वार्ड नंबर 24। अभी आपको मालूम है अभी कौन सी बीमारी का दौर चल रहा है? अभी कोरोना का। तो फिर भी आप बिना मास्क के पालक बैठे ना भी ऐसी भाई भीड़ में जाओ तो कम से बांध। अच्छा, मगर ये तो कहा जा रहा है कि भीड़ हो या खुले स्थान हो, वायरस तो कहीं पर भी आ जा सकता है। ये तो बात सही है। फिर भी आपने मास्क नहीं पहना है, गमछा रहने के बावजूद भी? क्यों, बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे मास्क? बांधेंगे ना। आपको मालूम है मास्क बांधने से क्या क्या फायदे होते हैं? क्या फायदे होते हैं? अपनी तो बचत होती ना भैया। काका जी आपने भी नहीं बांधे अभी तक? बांधो फिर। क्या नाम है काका आपका? सलीम खान। कहाँ रहते हो आप? साले बड़ी रहते हो। अच्छा ये बताओ आप मास्क क्यों नहीं पहने हो? रुमाल तो है। तो बांधे क्यों नहीं था आपने? तो खुला करो अभी। कहाँ, हम तो बहुत दूर से देखते आ रहे हैं आपको, क्या आप बिना मास्क के? अच्छा आपको मालूम है मास्क क्यों जरूरी है? क्या क्यों जरूरी है? परेशानी ना आए, बीमारी ना आए। अच्छा फिर भी आप अभी भी मास्क नहीं बांध रहे? आप बांध देता हूँ। आपको मालूम है मास्क से क्या क्या फायदे हैं? क्या फायदे हैं बताओ। स्वास्थ्य सही रहता है। हाँ, बीमारी नहीं होती। अमित राउत। आपको मालूम है आपसे बहुत सारे लोग संपर्क में आते होंगे और आपने मास्क नहीं पहना? चिंगम खाने के लिए मुंह खोल। अच्छा, मास्क देख नहीं था। आपको मालूम है अभी मास्क से क्या क्या बचाव होता है? हाँ, फिर भी आप भूल जाते हैं? अभी भी पहन के ही आया था, जरा कुर्सी निकाला बैठे थे। पहनेंगे फिर आप? मास्क ही पहना था मैंने, अब भी उतारा था जरा। आपका नाम? मेरा नाम अरविंद। कहाँ रहते हो? जमीन मस्जिद। क्या चल रहा है? कोरोना का कहर चल रहा है ना जी, तो मास्क क्यों नहीं पहने आपने? मास्क रखे हैं। तो पहनते क्यों नहीं उसको? मास्क तो पहन कर रहते हैं सर, हम जो थोड़ा तो बांसुरी बजाते हैं तो हम लोग निकाल करके ही। आपको आपकी जान का डर नहीं है? ये मास्क तो हम लोग लगा कर रहते हैं। नहीं ये बताओ, कोरोना का इतना कहर चल रहा है, कई सारे तो लोग मर गए हैं, कई सारे लोग मर गए हैं और आप बिना मास्क के घूम रहे हैं? नहीं तो अभी तो मालूम नहीं है, आप बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। तो आपको मालूम नहीं कि लॉकडाउन लगा था? किस कारण लगा था लॉकडाउन? तो लॉकडाउन पहले लगा था सर, हम लोग भाग कर गए थे। मालूम नहीं है ना, फिर अभी खत्म हो गया कोरोना तो सब लोग दुनिया घूम रहे हैं तो हम भी घूम रहे हैं।
नहीं, इसीलिए मास्क नहीं लगा रहे, दुनिया नहीं लगा रही, इसीलिए मास्क नहीं लगा रही क्यों आप भी? हम लोग धंधा करने वाले हैं सर, नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? जान रहेंगे तो बहुत कमाएंगे। कमाएंगे और जान नहीं रहेगी तो? नहीं रहेगी तो नहीं कमाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सेफ्टी जरूरी है ना। थैंक यू सर। लगाएंगे ना? क्या नाम है आपका? दिलीप मेश्राम। कहाँ रहते हैं मेश्राम जी आप? गोंगलई। गोंगलई? आप बिना मास्क के घूम रहे हैं? नहीं जी, मास्क तो लगाया था, निकल गया था। नहीं, लेकिन हम तो बहुत दूर से देखते आ रहे हैं आपको कि आप मास्क, बिना मास्क के घूम रहे हैं, आपने बांधे भी नहीं थे गमछा। निकल गए। आपको डर नहीं है क्या कोरोना का? हाँ डर है। और आपके साथ में बच्ची भी है, फिर भी आप इतनी सुरक्षा से जा रहे हैं आप? आपको मालूम है कोरोना कितनी भयानक बीमारी है? हाँ जी। तो आप बांधेंगे क्या? फिर भी आपने सही तरीके से नहीं बांधा मास्क। आप बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे मास्क? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई छात्र छात्राएं, आम लोग ऐसे हैं जो बाकायदा अनिवार्यता मास्क का पालन कर रहे हैं और भी लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करते भी नजर आ रहे हैं। कौन सी क्लास में आप? मैं 11th। अच्छा, ये बताइए आपने मास्क पहना है, क्या फायदे है मास्क से? संपर्क में नहीं आते हैं, और जैसे हम इससे बात कर रहे हैं दिशा से, तो वो एक दूसरे की बात है पहुँचती जरूर, लेकिन सांस एक दूसरे तक नहीं पहुँचता। अभी जो दौर चल रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है मास्क, है ना? तो आपके साथ में पूरे पहनते हैं? क्या नाम है आपका? सर यहाँ पे क्यों आए थे आप? मास्क। क्या हो गया था आपके पुराने मास्क को, क्या हो गया था? ये खराब हो गया था। अब दूसरा खरीदने के लिए? कितने का मिला मास्क आपको? 30 रुपये का। आप हमेशा पहनते हैं मास्क? इन दिनों लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पूर्व इक्का दुक्का मरीज ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों का कहना है कि लोगों द्वारा कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है, इसीलिए संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। लोगों को चाहिए कि वे घर से निकलते ही मास्क का उपयोग जरूरी रूप से करें, साथ ही 2 गज की दूरी सहित संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए गए नियम का पालन करें, ताकि वे खुद इस संक्रमण से बचे रहें और संक्रमण को फैलने से रोकें। सामाजिक सरोकार के तहत पद्मेश्वर न्यूज भी अपने दर्शकों और जिले वासियों से 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी नियम का पालन करने की अपील करता है।